और मैं तुषार बिराड़े, मेंबर्स ऑफ एमयूए, आपके इस कार्यक्रम के सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं। वी आर ऑनर टू वेलकम आवर चीफ गेस्ट मिस्टर बेजवरा विल्सन हु केम फ्रॉम इंडिया। थैंक यू सर। टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग 132nd बर्थ एनिवर्सरी ऑफ भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एंड महात्मा ज्योतिराव फुले जयंती। ये प्रोग्राम इंडियन एसोसिएशन अजमान एंड अंबेडकर इंटरनेशनल मिशन यूए की तरफ से प्रेजेंट किया गया है। वी वुड लाइक टू थैंक इंडियन एसोसिएशन अजमान फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। आप सभी इस कार्यक्रम में आए, बहुत बहुत शुक्रिया। दिस इज अ 26th ईयर अंबेडकर इंटरनेशनल मिशन यूए सेलिब्रेटिंग दिस प्रोग्राम। सो आर यू एक्साइटेड? यकीन मानिए आज का प्रोग्राम बहुत ब्यूटीफुली अरेंज्ड है। आज हमें स्पीचेस, डांसेस, सॉन्ग्स और प्रेजेंटेशन, स्किट्स, इवन कल्चरल एक्टिविटीज में लाइव ऑर्केस्ट्रा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। बस इतना ही नहीं, इक्वलिटी रैली भी तो है। हाँ, तो दिल थाम के बैठिए, हम प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। साथियों, एक ग्रुप वही होता है जो मेहनत, उत्साह और संकल्प के बल पर अपने लक्ष्य को हासिल करता है। आज हम ऐसे ही ग्रुप के बारे में बात करते हैं जो 26 साल पहले शुरू हुआ था और आज बहुत सारे लोग इसमें जुड़ चुके हैं। जी हां, हम एमयूए की बात कर रहे हैं। हम एमयूए को बहुत बहुत बधाई देते हैं। साथियों, चलिए अब हम हमारे कार्यक्रम की शुरुआत बाबा साहेब की प्रतिमा को वंदन करके और बुद्ध वंदना से करेंगे। इससे हम एकजुट होकर एक सुंदर और शांतिपूर्ण वातावरण बना सकते हैं जो हमें शांति और समृद्धि के लिए संगठित करता है। मैं अपने मुख्य अतिथि मिस्टर बेजवरा विल्सन एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन एसोसिएशन अजमान मिस्टर अब्दुल साले, उनको विनती करता हूँ कि वो प्लीज वंदना के लिए स्टेज पे आए। सबसे विनती करता हूँ कि कृपया आप अपने मोबाइल फोन्स साइलेंट कर दें और वंदना के वक्त अपने शूज और सैंडल निकाल के रखें। तालियां तो सुनाई नहीं दी। मैं वंदना टीम के महिलाओं को
वंदना स्टार्ट करने के लिए विनती करती हूँ। प्लीज स्टार्ट द वंदना। Some gentlemen, if you wanted to join, you can please come on the stage for this Vandana. Anyone? वंदना के समय सब लोग अगर खड़े रहेंगे प्लीज। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू। ओके देवानी रेडी। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। मैं अरहन सम्यक सम्बुद्ध को नमन करता हूँ। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। मैं तथागत बुद्ध उनका धम्म एवं संघ को अनुसरण करता हूँ। बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयमपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयमपि संघं शरणं गच्छामि। मैं दूसरी बार भी बुद्ध उनका धम्म एवं संघ को अनुसरण करता हूँ। ततीयमपि बुद्धं शरणं गच्छामि ततीयमपि धम्मं शरणं गच्छामि ततीयमपि संघं शरणं गच्छामि। मैं तीसरी बार भी बुद्ध उनका धम्म एवं संघ को अनुसरण करता हूँ। वेरमणि सिक्खा पदं समादियामि। मैं प्राणी हिंसा से विरहित रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। मैं चोरी से विरहित रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। कामे सुमिच्छाचारा वेरमणि सिक्खा पदं समादियामि। मैं व्याभिचार से विरहित रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मैं झूठ बोलने से विरहित रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ।
सुरा मेरय मज्ज पमादठाना वे रमणि सिखा पदं समाधियामि। मैं सूरा मेरय मद्य और नशीली पदार्थों के सेवन से विरहित रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। साधु 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 इति पीशो भगवानहं सम्मासंबुद्धो बीजाचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरिसधम सारथी सत्था देव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति। यह भगवान पूर्व बुद्धों की तरह सबके पूज्य सम्यक संबुद्ध सभी विद्याओं एवं सदाचारणों से युक्त सुंदर गति प्राप्त लोक लोकांतर के रहस्य को जानने वाले संसार के मनुष्य को राग द्वेष और मोह से छुड़ाने के लिए अनुपम सारथी के समान देवता और मनुष्यों के शिक्षक स्वयं बोध स्वरूप और दूसरों को बोध कराने वाले सब श्रेष्ठ ऐश्वर्या से युक्त और सभी क्लेशों से मुक्त है। धम्मगुण स्वाखातो भगवता धम्मो संदिठिको अकालिको एहि पस्सिको ओपनेहिको पचतं वेदितब्बो वियुहीलि। भगवान का धर्म सुंदर रूप से कहा गया है, वह तत्काल फलदायक है, कालांतर में नहीं वह यही दिखाई देने वाला है। आओ उसे देख लो, कहलाने योग्य है, निर्वाण तक पहुंचाने वाला और विद्वान पुरुषों के स्वयं जानने योग्य है। संघगुण सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीचीपटिपन्नो भगवतो सावक संघो यदिदं चत्वारि पुरिसयुगानि अर्थ पुरिसपुगला एस भगवतो सावक संघो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलि करणीयो अनुत्तरं पुय्यंकेतं लोकसादि। भगवान का श्रावक संघ सुमार्ग पर चल रहा है, भगवान का श्रावक संघ सीधे मार्ग पर चल रहा है, भगवान का श्रावक संघ न्याय मार्ग पर चल रहा है, भगवान का श्रावक संघ उचित मार्ग पर चल रहा है, जो कि यह चार युगल और आठ पुरुष पुद्गल है, यही भगवान का श्रावक संघ है। वह आह्वान करने के योग्य है, आमंत्रण देने योग्य है, दान देने के योग्य है, हाथ जोड़ने के योग्य है और लोक के लिए सर्वोत्तम पुण्य क्षेत्र है। सब पाप समकरणं कुशलसमुपसंपदा सचिरपरियोदपणं एतं बुद्धान शासनम्। सभी प्रकार के पापों से दूर रहकर कुशल कर्म का संचय करे, यही बुद्ध का उपदेश है। भीमस्तुति दिव्य प्रभु रत्न तू साधु वरदान तू आद्य कुल भूषण तू भीम राजा सकल विद्यापति ज्ञान सत संगति शास्त्र शासनमति बुद्धि तेजा पंकजा नरवरा रत्त सजन उद्धरा
भगवंत अमो साखरा भक्त काजा सवदार संगरी शस्त्र न धरिता करी कापला अरी उरी रुद्र रूपा मुक्ति पथ कोणता जीर्ण स्मृति जाळिता उजाळिला अगतिका मार्ग साजा राष्ट्र घटनाकृति शोभते भारती महामानव बोलती सार्थ संज्ञा शरण बुद्धासमी शरण धम्मासमी शरण संगासमी भीम राजा साधु साधु साधु। थैंक यू। विजय सो डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकरांचा विजय सो। थैंक यू ऑल। 32वी जयंतीच्या बद्दल आपल्या सगळ्या एम्स परिवाराला हार्दिक शुभेच्छा आमच्या सगळ्यांकडून। नमो बुद्धाय। जय भीम। Thank you so much. Thank you all our AMUA ladies. I request all of you to take your seat. There are so many people standing out backside requesting to please take your seat. There are many guests has arrived now. I welcome all of you. Thank you for joining us. So hamara samvidhan hamari shaan prastavna iski hamari pehchan swatantrata ka hai nara देश की सुरक्षा सर्वोपरि उद्देश्य हमारा सभी के लिए समान अधिकार विकास और सद्भाव की है पुकार हमारा संविधान हमारी शान प्रस्तावना इसकी हमारी पहचान अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की प्रीएम्बल को प्रेजेंट करने आ रहे ईशान मेश्राम प्लीज कम ऑन द स्टेज। ईशान Thank you, Ishan. नमो बुद्धाय। जय भीम। मैं ईशान मेश्राम आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ आज के हमारे इस संयुक्त जयंती समारोह के उपलक्ष्य में। सबसे पहले मैं हमारे ऑर्गेनाइजर टीम का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्हें मुझे भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ने का मौका दिया इस मंच पर। दोस्तों आज मैं यहाँ सभी के बीच उपस्थित हूँ संविधान की प्रस्तावना पढ़ने के लिए। प्रस्तावना को पढ़ने से पहले मैं उसके बारे में संक्षिप्त में जानकारी देना चाहता हूँ। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का एक विशेष महत्व है इसलिए प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। प्रस्तावना
भारत के सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समता को सुरक्षित करती है और लोगों के बीच भाईचारा को बढ़ावा देती है। प्रस्तावना भारत के सभी नागरिकों के लिए न्याय, समानता को सुरक्षित करती है, लोगों के बीच भाईचारा को बढ़ावा देती है। प्रस्तावना यह घोषित न करती है कि संविधान अपनी शक्ति सीधे जनता से प्राप्त करती है, इसी कारण यह हम भारत के लोग इस वाक्य से प्रारंभ होती है। कृपया प्रस्तावना के लिए खड़े हो जाए, कृपया प्रस्तावना के लिए खड़े हो जाए। और अब मैं आपसे निवेदन करता हूं कि संविधान की प्रस्तावना को मेरे बाद कृपया दोहराए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। धन्यवाद। जय भीम। थैंक यू सो मच ईशान। इसके बाद आ रही है हमारी कलाकार आर्या सोनू ने, जो सुंदर सा वेलकम डांस से सभी का स्वागत करने वाली है। प्लीज वेलकम आर्या सोनू ने।